हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉसिट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और फिर इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना बेटा? चलिए, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मंथली कॉस्ट शीट ऑफ द आदित्य इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस दिस, इन्वेंट्री क्लोजिंग दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, फिर आपको वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब प्रोडक्शन यूनिट और सोल्स यूनिट दिया हुआ, रॉ मटेरियल परचेज आपको दिया हुआ है, GST पेड रॉ मटेरियल परचेज ITC मैंने इनपुट क्रेडिट आपका अवेलेबल है तो इसको हम इग्नोर करेंगे, वेजेज पेड टू द प्रोडक्शन वर्कर्स दैट इज अ डायरेक्ट वेजेज, एक्सपेंसेज पेड फॉर द यूटिलिटी डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, ये आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज पेड अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ तो इसको एज्यूम टू बी जनरल मानेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, ट्रेवलिंग अलाउंस पेड टू द ऑफिस स्टाफ 1,21,000, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज ओवरहेड हो जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेज आपका 6,42,000 है, मशीन आवर आपका 21,600 है, मशीन आवर रेट आपका 8 है, तो 21,600 रुपीज 8 से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ये जो आएगा फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा 21,600 इंटू 8, तो ये रुपीज हो जाएगा रुपीज 17,000, 1,72,800 रुपीज हो जाएगा, ये 1,72,800 हो जाएगा। अब आपके पास आएगा यहाँ पे यूनिट आपने सोल्ड इतना किया है, बनाया इतना है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना हो जाएगा, 1,94,000 माइनस 1,60,000, ये हो जाएगा 34,000 आपका, 1,94,000, 1,60,000, तो कितना हो जाएगा ये 94,160,000, ये 34,000 आपका यूनिट क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 1,94,194 माइनस 160, ये 34,000 यूनिट आपकी क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अब आपको हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज। कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे रुपीज अमाउंट में हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? चलिए अब आपको यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, चलिए तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल कितनी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल आपके बुक में दिया हुआ है, देखिए आप ओपनिंग कितना दिया हुआ है इसको समझिए, ओपनिंग आपको दी हुई है 12 लाख, क्लोजिंग दिया हुआ है 14 लाख और परचेज दिया हुआ है 1,44,00,000, 1,44,00,000, ठीक है ना? तो ओपनिंग 12 लाख एड परचेज 1,44,00,000, 1,44,00,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक 14 लाख,
तो यहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा। रॉ मटेरियल परचेज कितना हो जाएगा? परचेज, रॉ मटेरियल परचेज हो जाएगा हमारे पास वन करोड़ 42 लाख, 1 करोड़ 42 लाख। अब यहां पे अमाउंट हो जाएगा ये, दिस इज योर अमाउंट, ये हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। तो 1 करोड़ 42 लाख डिवाइडेड बाय 194 लाख यूनिट अपने बनाया, 1,94,000 यूनिट, 142 डिवाइड 194, तो 73.19, 73.19 कॉस्ट पर यूनिट हो गया। उसी तरह हर एक का निकालेंगे डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया, वेजेस पे टू द प्रोडक्शन 36,64,000 यहाँ पे, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे टू यूटिलिटी 1,40,000। तो यहाँ पे 36,64,000, 64,000 ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18.89 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,45,600। तो ये आपका 0.75 हो जाएगा। ये आपका दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट 1,80,09,600। ये तीनों को ऐड करेंगे तो 92.83 हो जाएगा, 92.83, 92.83। अब आप आगे की ओर बढ़िए, आगे की ओर बढ़िए। यहाँ पे अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, आपको प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड तो 21,600 यूनिट हमने क्या किया यहाँ पे, क्वेश्चन में देखिए फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ। फैक्ट्री ओवरहेड का इंफॉर्मेशन ये है कि भाई इतने आवर्स है 8 घंटे के हिसाब से 1,72,800 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 21,600 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹8, तो 1,72,800, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा ओपनिंग, ओपनिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब वह इंफॉर्मेशन क्या है देखिएगा, यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंटरीज दिया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस का 18 लाख, क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया हुआ है, अब वर्क इन प्रोग्रेस का यहाँ पे 16,04,000 दिया हुआ है, 16,04,000। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 लाख लेस 16,04,000, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, दिस इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं नहीं सॉरी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट हो जाएगा, वर्क कॉस्ट
1,83,78,400 हो जाएगा, और इसको प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 94.73 पर यूनिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि आपको क्या क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है। पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी की इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है। तो भाई यही हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो यही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका यही हो जाएगा। तो एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो जाएगा, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 9,60,000, क्लोजिंग स्टॉक 34,000 हुआ है, और 34,000 को उससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 9,60,000 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 34,000 यूनिट जो क्लोजिंग स्टॉक है 94.73, तो 34,000 को 34,000 इंटू 94.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32,20,820। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा। तो यहां पे ये वाली नेगेटिव हो जाएगा, -960 -183,78,400, ये हो जाएगा 1,61,17,580 हो जाएगा। अब इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करोगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितनी है, 26,00,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये अब देखिए इसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इतना दिया हुआ है, ट्रेवलिंग इतना दिया हुआ है, और सेलिंग एक्सपेंसेस इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसकी सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ऑफिस स्टाफ कितना है, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस स्टाफ, ट्रेवलिंग एंड ऑफिस स्टाफ लिखा हुआ है यहां पे। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना लिखा हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस 6,46,000, ट्रेवलिंग एंड ऑफिस स्टाफ 1,21,000,
अब ये सारे को हमें ऐड करना है, ये सारे को हमें ऐड करना है, प्लस 26,52,000 प्लस 6,46,000 प्लस 121,000, ये टोटल हो गया 1,95,00,000, 1,95,36,580। तो ये आपको 15% सेल आपकी प्रॉफिट है। तो सेल्स कितना होगा, इसका मतलब ये वाली कॉस्ट आपका कितना होगा, ये वाली कॉस्ट आपका कितना होगा, ये वाली कॉस्ट आपका हो जाएगा 85%। तो सेल्स रिवेन्यू कितना होगा बताइए आप, सेल्स रिवेन्यू 1,95,36,580, ये जो होगा 0.85 होगा, 0.85 ये, तो डिवाइड 0.85 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2,29,84,212। और इसके बीच की जो डिफरेंस आएगा वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है इस दोनों के बीच में 15% ऑफ रुपीज 2,29,84,212 इंटू 0.15 34,47,632 ये आपकी प्रॉफिट हो जाए। तो इस तरह हमें क्या करेंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे, प्लस अगर 1,95,36,580 करेंगे तो कितना जाएगा, 2,29,84,212, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास।